पावर किस किस ने निकाल के लगाई? सबने लगाई? हमने लगाई सर। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अमोल। अमोल जी, इससे पहले आपको इतना सब नॉलेज था क्या? नहीं सर, नहीं था। नहीं था? आईसी लेवल का काम करते थे आप? नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं, अच्छा, फर्स्ट टाइम आप एशिया टेलीकॉम में ही कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम एशिया टेलीकॉम में कर रहा हूँ। और मेरा तीसरा दिन है, तीसरे दिन में ही इतना सब चीज करने लगे, तीसरे दिन में इतना कुछ। तो आपको क्या लगता है कि भाई मैं इससे आगे भी कर पाऊंगा कि नहीं? अबे तीसरे दिन में कल ही आपका सीपीयू का क्लास भी है। तो इसी फोन से आप सीपीयू भी निकाल पाएंगे? हाँ, जी। तो आपको जो यहाँ नॉलेज मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होता है ना? दोनों, जो चीज थ्योरी दिया जाता है उसी का आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है? तुरंत ही प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो जो अभी आपको लाइन में देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे कि भाई जो आप तो पहले कभी काम ही नहीं करते थे, और जो पहले से काम कर रहे हैं और वो आपको लाइव में देख रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? अगर किसी को जर कुणाला काम जमत नसेल तर त्यांनी अवश्य होईनी तर शिकावं, इथं एक नंबर काम होऊन जाईल। म्हणजे शिकण्यासारखं बरंच काय आहे, तर शिकून परफेक्ट भी होऊ शकता तुम्ही। चलिए ठीक आहे, थँक्यू। वेल, तो बताइए आज क्या क्लास थी हमारी? आईसी रिबोलिंग प्लस कंपोनेंट वन की क्लास। कि अभी रिबोलिंग किस किस का क्लियर है? हम सबका, हम सबका, सबका ऑल डन है क्या? आज से पहले ये काम करते थे हम क्या? अभी आईसी पे डर लगेगा क्या हमको? नहीं डर लगेगा। अब सेकंड बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कंपोनेंट को ट्रेस कौन कौन कर सकता है? अभी सब कर सकते हैं। कोई से भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं? yes, कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं? yes, वो दो लेग का हो, चार लेग का हो या तीन लेग का? yes, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं? yes, जीआर कौन कौन निकाल सकता है? निकाल सकते हैं जीआर। सीरीज पैरेलल कौन कौन कर सकता है? ये नॉलेज है हमारे पास। ये आज क्या क्लास थी हमारी? आईसी रिबोलिंग प्लस कंपोनेंट वन की क्लास। कि अभी रिबोलिंग किस किस का क्लियर है? हम सबका, हम सबका ऑल डन है क्या? आज से पहले ये काम करते थे हम क्या? अभी आईसी पे डर लगेगा क्या हमको? नहीं डर लगेगा। अब सेकंड बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कंपोनेंट को ट्रेस कौन कौन कर सकता है? अभी सब कर सकते हैं। कोई से भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं? yes, कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं? yes, वो दो लेग का हो, चार लेग का हो या तीन लेग का? yes, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं? yes, जीआर कौन कौन निकाल सकता है? निकाल सकते हैं जीआर। सीरीज पैरेलल कौन कौन कर सकता है? ये नॉलेज है हमारे पास। आज हमारी सीपीयू रिवॉल्विंग की क्लास थी। और क्या था हमारा? सैमसंग के डबल डेकर सीपीयू और रैम दोनों को रिवॉल्विंग का था, और साथ में पावर आईसी भी रिवॉल्व किया, और साथ में पावर आईसी को दोबारा से रिवॉल्व करके लगाया। ये खाली आपने क्या या पूरी क्लास ने किया? चलिए ठीक है, ईमानदारी से पावर किस किस ने निकाल के लगाई? सबने लगाई? हमने लगाई सर। और सेकंड, आज आपकी एक यूनिक क्लास थी, वो भी देव सर के साथ। वो आपके सिलेबस से बाहर वाली क्लास थी। तो ये बताइए मुझे, खाली सीपीयू देख के 80% आईसी कौन कौन बता सकता है? सो हाय दोस्तों, मैं देवधन अग्रवाल, एशियन टेलीकॉम का फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से, जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30-14 दिन में आप सीपीयू एमएमसी पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए, और थ्योरी के साथ भी आप डेली सीपीयू लगाएं, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे। क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो सीपीयू का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको ईमएमसी जिसमें यूएफआई पढ़ाया जाए, और जेटेक जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है, जो सीपीयू चेंजिंग सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए, तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास। 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना छूटने दो। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000730-7311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।